टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि बीसीसीआई विराट के लिए एक फेयरवेल रखना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बोर्ड के एक अधिकारी ने विराट को उनके 100वें टेस्ट में कप्तानी करने का ऑफर दिया था, लेकिन कोहली ने इसे महज एक मैच बताते हुए इस ऑफर को मानने से मना कर दिया। विराट कोहली का अगला टेस्ट मैच उनके करियर का 100वां टेस्ट मैच होने वाला है और बोर्ड चाहता था कि विराट इस मैच में कप्तानी करे, जिससे कप्तान के रूप में जो उपलब्धियां विराट ने हासिल की है उनके लिए विराट को एक फेयरवेल दिया जाए, लेकिन विराट ने इससे इनकार कर दिया। विराट का कहना है कि उनका 100वां मैच महज एक मैच ही है, जिसके लिए उन्हें किसी जश्न या फेयरवेल की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि टेस्ट कप्तानी छोड़ने से एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार 14 जनवरी को विराट ने उन्हें इसके बारे में बताने के लिए फोन किया था, जिसके बाद बोर्ड के अधिकारी ने उन्हें ऑफर किया कि वो एक सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी और कर ले। साथ ही विराट के 100वें टेस्ट पर फेयरवेल वाली बात भी अधिकारी ने कही, लेकिन विराट ने इनकार कर दिया। और हिंदुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक विराट ने बीसीसीआई के अधिकारी से फोन पर कहा था, एक मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही हूँ। बता दें कि विराट का 100वां टेस्ट मैच बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा, जो उनके लिए दूसरा होम ग्राउंड भी है। कोहली एक दशक से भी ज्यादा समय से आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान रहे हैं। बोर्ड चाहता था कि इस मौके पर बेंगलोर में एक फेयरवेल का इंतजाम किया जाए और कोहली की उपलब्धियों के लिए उन्हें सराहा जाए, लेकिन विराट ऐसा नहीं चाहते थे। ये भी बता दें कि ये टेस्ट मैच भारत और श्रीलंका के बीच 25 फरवरी से खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम 2 टेस्ट और 3 T20 खेलने के लिए फरवरी के महीने में भारत का दौरा करेगी। पहला टेस्ट 25 जबकि दूसरा टेस्ट 5 मार्च को मोहाली के मैदान पर खेला जाएगा। इसके अलावा 3 T20 होंगे जो 13, 15 और 18 मार्च को मोहाली, धर्मशाला और लखनऊ में खेले जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है प्रवीण ने, लेकिन जाने से पहले एक आपके काम की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहाँ पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। अब इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, Flipkart, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ गरिमा, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।